फ्रेंड्स, आ चुका है फिल्म केदारनाथ का टीजर, जिसमें सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं। ये सारा अली खान की डेब्यू फिल्म है, जो काफी लंबे समय सेट हुई थी, लेकिन फाइनली इस फिल्म का टीजर आया। फिल्म की कहानी साल 2013 में आई केदारनाथ की प्रलय के बारे में है। किस तरह से पूरा केदारनाथ बह जाता है, उसको इस फिल्म में दिखाया है अभिषेक कपूर ने। लेकिन उसी प्रलय के बीच में दो लवर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक प्रेम कहानी जन्म लेती है सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, बेशक टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं नजर आए। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। उन्होंने एक हॉट स्टीमिंग किस भी दी है। सारा अली खान ने अपनी पहली ही फिल्म से साबित कर दिया है कि दैट शी इज गोना बी वन ऑफ द बोल्डेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। लेकिन हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि सारा अली खान में कई जगह उनकी माँ अमृता सिंह की झलक नजर आई। फिर चाहे वो अपने इंडियन अंदाज में नजर आई हो, उनका साइड पोज नजर आया हो, स्पेशली जब वो येलो सूट में नजर आ रही हैं तो अमृता सिंह लग रही हैं डिट्टो। सारा अली खान काफी हद तक अपनी मॉम जैसी दिखती हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में हम ये कहना चाहेंगे कि सारा अली खान के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नजर आ रही है। अभिषेक कपूर की अगर हम पिछली फिल्में उठा के देखें तो रॉकन के अलावा उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने ज़्यादा कमाल दिखाया। अभिषेक कपूर बहुत हटकर फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो टॉपिक इस बार उन्होंने उठाया है, उम्मीदें कम हैं, क्योंकि इतने अच्छे से उस प्रलय को दिखाना, उस प्रलय में लोगों ने काफ़ी कुछ खोया, काफ़ी दर्द भरी प्रलय थी। उसमें आप एक लव स्टोरी निकाल के दिखा रहे हैं, वी डोंट नो हाउ आवर ऑडियंस विल टेक इट। और क्या उस प्रलय के साथ, जो इतना बुरा हुआ था उसके साथ, अभिषेक कपूर उस तरह का इंसाफ कर पाए हैं? क्योंकि खाली लव स्टोरी दिखा देंगे तो ऑब्वियसली उतना मज़ा दर्शकों को नहीं आएगा। दर्शक अब एक कहानी चाहते हैं, दर्शक अब ऐसी फिल्में चाहती हैं जिस फिल्म को देखकर उन्हें कोई ना कोई मैसेज के साथ साथ वो बंध सकें उस फिल्म के साथ। पर जहाँ तक इस फिल्म के विजुअल्स को देखा गया, टीजर्स में उस प्रलय के विजुअल्स को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है उसको देखा गया, मज़ा नहीं आया। पर हाँ, आपको ये टीजर कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।